हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपका स्मार्टफोन है दोस्तों, आप उसको 6-7 महीने चलाते हैं, उसके बाद आपका फ़ोन बहुत हैंग होने लग जाता है, या फिर बहुत ही स्लो ऐप्स को ओपन करता है, या फिर बहुत ही स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, और आपको मैं पक्का बता रहा हूँ कि आपका जो फ़ोन है वो उसकी स्पीड थोड़ी सी तो फास्ट हो ही जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे मेथड बताऊंगा जो अगर आप करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ क्या है, आपकी जो रैम है दोस्तों, रैम का काम क्या होता है, वो आपके लिए एक टेम्प्रेरी स्टोरेज का काम करती है। तो दोस्तों, आपको रैम को क्लीन कर देना चाहिए। सपोज करिए आपने 4 एप्लीकेशन खोल रखी है और वो चारों एप्लीकेशन जब खुली है तो उन्होंने पूरी रैम को भर दिया है। तो आप जब 5वीं एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसके बाद जगह रैम में जगह कहाँ होगी 5वीं एप्लीकेशन को लेने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको लगे कि आपको फ़ोन थोड़ा देर के लिए रखना है या फिर कुछ काम नहीं है तो अपनी रैम को क्लीन कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, रैम पूरी क्लीन हो जाएगी, उसमें स्टोरेज बढ़ जाएगी, तो आप कोई भी ऐप को ईजिली खोल पाएंगे। दोस्तों, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है जो अपने फ़ोन्स में अपडेट देती रहती है, तो आपको पहली बात तो सारे अपडेट्स नहीं लेने हैं क्योंकि सारे अपडेट बेनिफिशियल नहीं होते हैं। कुछ कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके फ़ोन को और स्लो कर देते हैं। तो आप पहले अपडेट्स को देखिए, अगर आपको लगता है कि वो अपडेट्स मतलब काम का है, कोई सिक्योरिटी अपग्रेड है तो आप कर लीजिए, वरना आपको जैसे सही लगे करिए। बट अगर कोई फालतू का अपडेट है जो आपका किसी काम का ही नहीं है, आपको लग रहा है कि इससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो मत करिए, क्योंकि जो फ़ोन जैसा है वैसा ही ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो आपके ऐप्स हैं दोस्तों, फ़ोन में पहले तो बहुत सारे फालतू के ऐप्स आते हैं इंस्टॉल्ड, और ऊपर से हम भी थोड़े जो हमें यूज़फुल बस 1-2 बार के लिए होते हैं हम उसको भी डाल लेते हैं। तो उन अगर ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपकी स्पेस भी कम होगी और आपके प्रोसेसर पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। तो आप जो फालतू के ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, या फिर अगर अनइंस्टॉल नहीं हो पा रहे, जैसे कुछ गूगल्स के ऐप है जो अनइंस्टॉल नहीं हो पाते हैं, मैप्स है, ड्राइव है, ये सब अनइंस्टॉल नहीं हो पाते क्योंकि गूगल उनको पहले से अपने एंड्रॉयड में डाल के देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन ऐप्स को डिसेबल कर सकते हैं, उनको फोर स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो इंटरनल मेमोरी है दोस्तों, जो आपके सारे ऐप्स है और जो आपका मेन जो रैम का काम है वो पूरा इंटरनल स्टोरेज पे बेस्ड होता है। आपका कोई SD कार्ड लगा हुआ है, एक्सटर्नल स्टोरेज है, तो उसका फ़ोन का कोई लेना देना नहीं है, वो उसको सिर्फ स्टोरिंग डिवाइस की तरह यूज़ में लेता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपकी कैमरे की फ़ोटो आपने क्लिक करी है, वो आपके इंटरनल स्टोरेज में जाती है, इंटरनल स्टोरेज में जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, जो फोटोज़ है उनको आप एक्सटर्नल स्टोरेज में सेंड कर सकते हैं, जो ताकि हो सके कि इंटरनल स्टोरेज थोड़ा सा कम हो जाए। आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या करना होता है, जो आपकी इंटरनल स्टोरेज है उसको आप ट्राई करिए कि कम से कम उसमें यूज़ करें आप, और मोस्टली सारी चीज़ें एक्सटर्नल में कर सके। दोस्तों, जो ऐप्स है आप उनको एक्सटर्नल में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तभी चलेंगे कि अगर जब वो इंटरनल स्टोरेज में होंगे। उसके बाद आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप एनिमेशंस को, फ़ोन की जो एनिमेशंस होती है, आपको नहीं पता एनिमेशंस क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ फ़ोन्स में आते हैं कि जो उसके ऐप्स है वो थोड़े मूव करते हैं, जो पीछे की स्क्रीन्स है वो थोड़ी मूव कर रही है, मतलब आपको एक एनिमेटेड लुक लगता है, तो आप उसको डिसेबल कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता कैसे डिसेबल करना है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो ऐप की कैक फाइल्स होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपको उसका काम नहीं होता है, तो आप उसको एप्लीकेशंस में जाके डिलीट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लियर कैक, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। वो कैसे, वो आप अपने फ़ोन का पूरा बैकअप ले लीजिए और उसके बाद अपने फ़ोन को रीसेट कर दीजिए। ये आप कर सकते हैं 8-9 महीने बाद, क्योंकि 8-9 महीने बाद फ़ोन बहुत भर चुका होता है, तो आप रीसेट कर देते हैं तो एकदम वो स्टार्टिंग से ऑन होता है, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं जिससे आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। और एक मेन टिप आपको दे दूं, अगर आपको अपने फ़ोन की बैटरी बचानी है तो दोस्तों, जब का फ़ोन काम में नहीं है तो आप उसको स्विच ऑफ मत करिए, एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए। दोस्तों, जब भी आप फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डालेंगे तो बैटरी ज़्यादा सेव करेगा, इसके बकाए आप उसको जब रिस्टार्ट करते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि बैटरी बचानी है, फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ फिर मैं रिस्टार्ट कर लूँगा, तो दोस्तों उसमें कम से कम तो 4 या 5% बैटरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। तो दोस्तों, आप उसको एयरप्लेन मोड में डाल दिए, सबसे बेस्ट रहता है। और एक और, अगर आपको बैटरी बचानी है तो जो आपका स्क्रीन है और थीम है उसको ब्लैक रखिए,
ब्लैक से क्या होगा, आपके पिक्सल ज्यादा ग्लो नहीं होंगे और उससे आपकी बैटरी बच जाएगी। तो ये कुछ मेथड्स हैं और टिप्स हैं मैंने आपको दी है, ये मेरा ओवरव्यू है, ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है इसलिए। और आपको मैं पहले सलाह देता हूँ, आप कोई फालतू के ऐप्स में डाली करिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप अगर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और आपको कुछ सीरियसली फ़र्क लग रहा है अपने फ़ोन में तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए। और दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक, आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनको भी बताइए कि वो अपने फ़ोन को कैसे थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे 100 सब्सक्राइबर जल्दी ही होने वाले हैं, तो आप उसमें भी पार्ट ले सकते हैं और हमारे 100 सब्सक्राइबर करने में हेल्प कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।